लीज पर दी गई भूमि का कई महीनों से किराया न मिलने से परेशान बल के किसान फिर भारतीय खाद्य निगम के नलसर खाद्यान्न भंडार के बाहर प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आमदनी की आस में अपनी जमीनें खाद्यान्न भंडार के लिए लीज पर दी थी, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें किराया नहीं मिल रहा। प्रेम लाल और लेखराज सैनी ने बताया कि यहां 25 के आसपास किसानों ने करीब 6 साल पहले अपनी भूमि लीज पर दी थी, लेकिन कई महीने बीत गए, उन्हें किराया नहीं मिला है। किसानों ने बताया कि वे फसलों से भी यहां कुछ आमदनी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब वह उससे भी वंचित हो गए हैं। 6 साल हो गए, 6 साल का सबको पैसा नहीं लिया, मारी मम्मी लाई नहीं। मारा घर वाला भाई बीमार हो रहा, सियाने हुए बुढ़े हो रहे, तो मैंने छक्का कर दी भाई, 5-4 600 रुपया ला हिंदा के बुके स्टॉल आधी गारा कर दी। पैसा दे रहा है। कितना टाइम हो गया जी? 6 साल हो गई। आपको एक बार भी नहीं मिला पैसा? एक बार भी नहीं मिला मैंने जी। और आप बताइए, हमको नहीं मिला पैसा। कितनी जमीन है आपकी? हमारी 3 भाइयों की 3 बीघे, 2 बीघे है जी। तो आप बताइए। मेरी जमीन 2.5 बीघे करीब है, तकरीबन 5-6 साल हो गए हमारे को किराया मिल नहीं रहा है। वो लीज जो ली थी जमीन, तो ना तो बात कर रहा है ना तो पैसे दे रहे हैं, और कुछ रकम पैसा है जो एटीन पास निर्धारित तौर के ऊपर वो भी कब्जा करके रखा है उसने। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस आई थी, तो उन्होंने कुछ किया नहीं इसके बारे में? कहां दिया आश्वासन दिया उन्होंने कि 45 दिन था जवाब, 10 दिन था जवाब, एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, ऐसे उनके साथ मिले, कोई आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे को मजबूर हो गए गेट के ऊपर बैठना, उनके साथ मिले, कोई आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, हमारे को मजबूर हो गए गेट के ऊपर बैठना पड़ रहा है जी। तो कितनी बार बैठ गए आप? ये जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता तब तक बैठे रहेंगे। कितनी बार बैठ चुके हैं आप धरने पे इस टाइम? ये इनके ये तीसरी बार धरने के ऊपर बैठे हैं इधर। अच्छा जी जी। तो आप बताइए कुछ। सभी किसानों की तरफ से मैं सरकार को कराना चाहता हूँ कि हमने 2-3 बार पहले भी डीसी महोदय के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, जो हमारे किसानों को सबको समस्या है, सबको अवगत कराया है, उसके बावजूद भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं कि जब हम ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो बोलता है कि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, बैंक से बात हो गई है, लेकिन झूठा आश्वासन दे रहे हैं। हम बार बार प्रशासन गुहार लगा रहे हैं, डीसी महोदय के पास भी अभी गए, अभी सभी किसान बैठे के गए थे, क्योंकि डीसी महोदय ने बोला कि कुछ आप कोर्ट में जाओ या कुछ, कोई भी हमारा कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना सरकार कर रही है, ना तो ठेकेदार कर रहा है, ना एफसीआई कर रही है। इसे मजबूर न होकर हमें यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। हम गाड़ी बंद, गाड़ी अंदर से बाहर नहीं आने देंगे और बाहर से अंदर नहीं आने देंगे, जब तक जो फैसला होता है यहाँ आके हमारा फैसला करे, या जो ठेकेदार है वो एफसीआई को कहे कि जो भी हमारी पेमेंट है किसानों की, पहले वो किसानों को दे, फिर उस ठेकेदार को दे। अन्यथा हम धरने पर बैठे रहेंगे, जो भी होगा वो प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा, सरकार इसकी जिम्मेवार होगी, इसके आगे किसान कोई भी दोषी नहीं होगा। मैं टीवी पत्र ये अपने पत्रकार चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी है प्रशासन हो, चाहे एफसीआई हो, चाहे वो ठेकेदार है, कोई हमारा समाधान करे, ये जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। हाँ जी, तो आप बताइए जी। इसमें प्रोजेक्ट में मेरी 1 बीघा 7 बीस की जमीन फेडरेशन वालों ने किराए पे ले रखी है, 5,050 रुपए पर बीघा के हिसाब से, लेकिन हमें इसका पैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ऐसी बात करते हैं कि मैम आपके खाते में पैसा डाल देंगे, लेकिन आज तक 6 साल होने को है, इन्होंने बहुत कम ही पैसा डाला हुआ है। हाँ जी, तो जी आप बताइए। आप बताए जितने जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं जी, सब छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, किसके पास भी गया, किसी के पास 2 बीघा 1.5 बीघा इतनी है जमीन सबके पास, और यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से रोटी का बच्चे। आज इन्होंने घर से भी घर कर दिया, ना हमारे को पैसा दे रहे हैं, ना जमीने छोड़ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, और हमारे को मजबूर न दूसरे की जमीन में मजदूरी करना पड़ रही है, जिससे कि हम रोटी चला सके, बाल बच्चों का पेट पाल सके। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारा फैसला जल्द जल्द किया जाए और हमारी बात सुनी जाए।
ठीक है जी। जी आप बताइए। जी आप बताइए। इस चैनल के माध्यम से सभी किसानों की तरफ से मैं सरकार को कराना चाहता हूँ कि हमने दो तीन बार पहले भी डीसी महोदय के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से राजू धलारिया की रिपोर्ट।